वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई? ऑलरेडी सेट नंबर ए का फुल सोल्यूशन मैं अपलोड कर दिया हूं और अब आज से स्टार्ट कर रहा हूं सेट नंबर बी का फुल सोल्यूशन देना। एंड फाइनली सबसे पहले मैं गणित का वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ईमानदारी से, इत्मीनान से वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक एक से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर मिलेगा, जिस प्रकार से मैंने आपके सामने सेट नंबर ए का दिया था। यार अपने स्कूल के टॉपर आप ही बनेंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप एकदम फायर वाला वीडियो देख रहे हैं भाई। सबसे बेहतरीन नंबर तुम्हारे आने वाले हैं। एक एक प्रश्न का 100% एकदम रियल और जेन्युइन आंसर दिया जाएगा, ताकि आप लिखें अपने स्कूल में और अच्छे स्कोर गेन कर सकें। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चंस को मैं टिक करते जाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखना। देखो सेट नंबर बी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे निर्देश लिखा गया है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप निर्देश को पढ़ते हैं तो बेहतर है कि एग्जाम अच्छे से जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई बराबर है एबी के तथा सीडी का मान यदि 6 सेंटीमीटर दिया है, ईसी का मान 8 सेंटीमीटर दिया है और यहीं पर आपको बीई का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, तो डीए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो DA का सही मान ऑप्शन नंबर D 9 निकल के आया है, अर्थात D पे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कहता है दो संख्या A और B इस प्रकार है कि यदि A और B का हम गुणा करेंगे तो आएगा 432 और यदि हम इसी का HCF निकालने बैठे तो आएगा 6। तो ये कहता है कि LCM निकालने पर क्या आएगा, है ना। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, वैसे तो बहुत सरल है, सिंपल सा आप 432 में से 6 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 72 इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद, आपका बहुपद लिखा है ax² + bx - c का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो α × β का मान क्या होगा। जब मैं सेट नंबर ए सॉल्व करा रहा था तो उसमें पूछा था α + β, यदि आपको याद होगा तो, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मिडिल एजुकेशन की याद है। तो मैं बताया था बेटा कि अगर ए α + β होता है तो उसका सही आंसर -b/a होता है, लेकिन यहीं पर यदि इंटू होता तो इसका सही आंसर c/a होता। एंड फाइनली इंटू वाला पूछ लिया है। और मैं बता देता हूँ, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 3 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान से देख लो। और प्रश्न क्रमांक 4 भी तुम्हारे पेपर में आएगा। चौथा नंबर क्या कहता है, a1/a2 ≠ b1/b2, तो रैखिक समीकरण हमें एक दिया है और दूसरा दिया है, तो इसका क्या हल होगा। तो इसका सही आंसर एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को टिक करना था। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है, एक श्रेणी दिया है हमें जो 6 का पहाड़ा है, 6 का टेबल है। देखो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये कह रहा है कि 54 तक जाने में कितने नंबर में आएगा, पाँचवा आठवां नौवां छठवां। तो आप खुद टेबल पढ़ लो, 6 + 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 6 × 24, 6 × 5 = 36, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि दो बिंदु दिया है ए और बी, इसकी बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो बीच की दूरी फाइंड करने के लिए सिंपल सा इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो किसी भी स्थान की बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिखा गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को --- संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर अभाज्य लिखना है। दूसरा नंबर कहता है द्विघाती समीकरण दिया है ax² + bx - c = 0 के विभेदकर का सूत्र हमें बताना है। तो इसका सूत्र होता है सिंपल सा d = b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। ओके
आगे देखते हैं थर्ड नंबर कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 3+2n हो तो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है c/a, ये सॉरी बेटा इसका प्रथम पद हो जाएगा 5, सॉरी बेटा इसका प्रथम पद हो जाएगा 5, ठीक, यहाँ पर आपको 5 लिखना है। नेक्स्ट कहता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जब वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे छेदक रेखा के नाम जानते हैं, तो यहाँ पर आपको छेदक रेखा लिख देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, तो हमेशा समान होता है। एंड हमारा 6वां नंबर कह रहा है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद में 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा 45 डिग्री लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हम अब देखेंगे आपका सत्य असत्य का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सत्य असत्य का पहला नंबर कहता है, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। यदि भुज 0 है और बाई मतलब 3 कोटि है तो एक्स अक्ष पर नहीं बल्कि वह बाई अक्ष पर स्थित होगा, यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे लिख दिया ना बेटा ये, तो भाई 0 और 3 लिखा है तो एक्स अक्ष पे कहाँ, भाई बाई में है 3 तो बाई अक्ष पे होगा। नेक्स्ट कहता है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट 3रा नंबर, एक श्रेणी दिया है 2-2 एक समांतर श्रेणी में है। भाई देखो समांतर का मतलब होता है इसमें जो अंतर है वो समान होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि अंतर समान है, इसमें पहले 2 से 0 में जाएंगे फिर -2 में जाएंगे, इसमें 4 का अंतर है, फिर इसमें हम इसमें कितने का अंतर है, 2 से जाएंगे 1 में, फिर ए पहले 2 से जाएंगे 0 में फिर -2 में, इसमें भी 4 का अंतर है, अब 2 के बाद इसमें भी 4 का अंतर है, हाँ जी बिल्कुल सत्य है, ठीक, हाँ सत्य आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 4था नंबर कह रहा है कि क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, नहीं, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन बनाती है और अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनाती है। तो यदि यहाँ पर उन्नयन होता तो सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अवनमन दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। 5वां नंबर कहता है, एक किनारे पर बेलनकार बनाई गई पेंसिल एवं एक पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो बिल्कुल असत्य है, हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का है, सही जोड़ी मिलाइए। आइए फटाफट आपके सामने ही सही जोड़ी मिलाते हैं। 1+cot²θ ये हो जाएगा आपका cosec²θ, यहाँ से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है sec θ, तो sec थीटा का सही आंसर आपको लगाना है 1/cos θ, ठीक, इससे मैच करना है। नेक्स्ट कहता है sin²θ + cos²θ, तो इसका 1 का मान होता है अर्थात ऑप्शन नंबर ई के साथ मैच करना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो यहाँ से मैच करना है। नेक्स्ट कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ से आपको मैच करना है। और आपका नेक्स्ट कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको 0 लिखना है क्योंकि घटना ही असंभव है, इम्पॉसिबल है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक, यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है तो इंग्लिश से देख लो, यहाँ पर पूरा सही सही मैच हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा, नेक्स्ट इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, नेक्स्ट कहता है इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा और इसका ये लो भाई पूरा आंसर मैच कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगी, तो आपको सिंपल सा वास्तविक और भिन्न लिख देना है। नेक्स्ट 2nd नंबर, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो बिल्कुल हाँ आपको लिख देना है सिंपल सा एक शब्द में। नेक्स्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो 1 बिंदु पर, ठीक। नेक्स्ट, एक बिंदु दिया है 4 और 1 और 4 और दूसरा दिया है 3 और 2,
को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा आपको निर्देशांक लिख देना है 2 और 3, खत्म। नेक्स्ट कहता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताना है। बहुत ही सरल है, इसका सूत्र होता है 2L प्लस ALB प्लस BH प्लस आपका HL। देखो यहाँ पर L जो होता है लंबाई है, B चौड़ाई है और H जो है ऊंचाई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, देख लो 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7, और वो कहता है कि बहुलक क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 7, क्योंकि सबसे अधिक बार 7 आया है। आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार और 3 बार, और जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। इस प्रकार से सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर दिया हूँ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के थ्रू पूरे 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए चेकआउट कीजिए, अपने PDF को डाउनलोड कीजिए, और सेट नंबर 1 का पूरा पेपर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक टेलीग्राम पर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस का। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।